हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस के सीजन वन के एपिसोड थ्री की स्टोरी बताऊंगा। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो उस एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस, प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि क्रिस्टीन के साथ एवरी रह रही होती है क्योंकि एवरी के बॉयफ्रेंड ने उसे घर से निकाल दिया होता है, और जैकलिन भी एवरी के कॉल का रिस्पांस नहीं दे रही होती है जिससे एवरी काफी परेशान होती है। अब इसके आगे क्रिस्टीन किसी रेस्टोरेंट में जैकलिन को बुलाई होती है और उससे कहती है कि वह एवरी के कॉल का रिस्पांस क्यों नहीं दे रही है। तब जैकलिन कहती है कि एवरी ने उसे चीट किया है, वह उसे बिना बताए क्लाइंट के साथ चली गई है और उसको उसका परसेंटेज नहीं दे रही है। जैकलिन क्रिस्टीन को भी बताती है कि तुमको भी एवरी से सतर्क रहना चाहिए, और फिर वह वहां से चली जाती है। फिर क्रिस्टीन जाकर अपने क्लाइंट से रेस्टोरेंट में मिलती है और उससे काफी बातचीत करने के बाद होटल में जाती है और सेक्स के मजे लूटती है। अगले सीन में वह अपने ऑफिस के लिफ्ट में होती है जहाँ उसका बॉस डेविड किसी से कहता है कि बेकर जॉब छोड़ रहा है। फिर डेविड के ऊपर उसके कंपनी के ओनर चिल्ला रहे होते हैं कि उसने एचपी फर्म को खो दिया है। तो इस पर डेविड कहता है कि वह सब ठीक कर देगा और अपने केबिन में जाने से पहले क्रिस्टीन से एचपी की बिलिंग फाइल लाने को कहता है और सीधे केबिन में चला जाता है। फिर क्रिस्टीन घर आती है जहाँ एवरी उसे बताती है कि उसने लॉ स्कूल छोड़ दिया है और वह अब जैकलिन को ब्लैकमेल करेगी क्योंकि उसने ही गैरेट को मुझसे छोड़ने को कहा है। फिर अगले सीन में क्रिस्टीन अपने क्लाइंट से मिलती है जो कि एक चाइनीज बंदा होता है। वह चाइनीज आदमी क्रिस्टीन के ऊपर फिदा हो जाता है और क्रिस्टीन को ढेर सारी बातें करता है। वह कहता है कि वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। फिर वो लोग होटल में जाते हैं और भरपूर सेक्स का आनंद लेते हैं। क्रिस्टीन को भी काफी आनंद आता है। फिर वो लोग सो जाते हैं। कुछ देर बाद एवरी का कॉल आता है। वह क्रिस्टीन से कहती है कि जैकलिन ने उसका सारा पैसा उसके अकाउंट से निकाल लिया है क्योंकि जैकलिन एवरी का अकाउंट एक्सेस कर सकती है। यह सुनकर क्रिस्टीन शॉक हो जाती है और वह अपने घर आती है। फिर एवरी को पुकारती है लेकिन एवरी वहां से चली गई होती है और अपने साथ में उसकी सारी सेविंग भी लेकर भाग गई होती है। यह देखकर क्रिस्टीन सीधे जैकलिन के पास जाती है और उसके ऊपर पानी फेंक कर कहती है कि वह एक घटिया औरत है और वहां से चली जाती है। फिर वह अपने ऑफिस जाती है जहां पर डेविड की सेक्रेटरी उसको लेट होने के लिए उसे डांटती है। क्रिस्टीन कहती है कि अब ऐसा नहीं होगा। अगले सीन में क्रिस्टीन अपने क्लाइंट के साथ होटल में होती है जहां वह काफी परेशान होती है। वह क्लाइंट से फेवर देने के लिए कहती है और बताती है कि वह जैकलिन को छोड़ रही है। क्लाइंट कहता है कि वह हमेशा उसके साथ में रहेगा। फिर वो दोनों सेक्स एंजॉय करते हैं। फिर क्रिस्टीन अपने ऑफिस में होती है जहाँ पर उसके डेस्क पर एक लिफाफा होता है। वह उसे खोलती है तो देखती है कि इसमें उसके सारे न्यू पिक्चर हैं। वह डर कर उस लिफाफे को बंद कर देती है और रिसेप्शन पर जाकर पूछती है कि इस लिफाफे को कौन उसकी डेस्क पर छोड़ कर गया है। रिसेप्शन बताती है कि उसे कुछ नहीं पता। वह काफी शॉक हो जाती है कि आखिर में यह फोटोज किसने भेजा है। अगले सीन में डेविड एक रेस्टोरेंट में एचपी के क्लाइंट से डील कर रहा होता है जिसका नाम एमरी होता है। फिर वह कहता है कि एचपी को कर्क एंड ला फर्म के साथ ही काम करना चाहिए। एमरी मान जाता है। अगले सीन में क्रिस्टीन उस चाइनीज क्लाइंट के साथ होती है जहाँ पर वह चाइनीज उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है और वह कहता है कि वह उसे छोड़ नहीं सकता। फिर वो लोग सेक्स एंजॉय करते हैं। फिर क्रिस्टीन अपने कॉलेज में होती है जहाँ पर उसको टेस्ट देना होता है। वह क्लासरूम में लेट से पहुंचती है तो उसको टीचर मना करती है कि अभी केवल थोड़ा टाइम बचा है, लेकिन वह टेस्ट देती है। अगले सीन में क्रिस्टीन एक और नए क्लाइंट के साथ होती है। वहाँ वह उस क्लाइंट से कहती है कि वह जैकलिन को छोड़ रही है। क्लाइंट कहता है कि ठीक है, तुम जैकलिन को छोड़ दो, लेकिन वह पैसा आप किसके खाते में भेजेगा। इस पर क्रिस्टीन कहती है कि वह मेरे अकाउंट में सेंड करेगा। फिर वह क्लाइंट क्रिस्टीन को कपड़े उतारने को कहता है। क्रिस्टीन कपड़े उतार देती है और यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।